वॉकिंग वॉन्डरर के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमालयाज में। हिमाचल प्रदेश आज भी वो स्टेट है हमारे भारत की जहां की कई जगहों पर आपको जिंदगी आज भी मानो ठहरी सी दिखेगी, चलता हुआ दिखेगा तो सिर्फ कुदरत के बहुत खूबसूरत मौसम और कलकल बहती नदियां। आज इस वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश की एक बहुत खूबसूरत जगह के सफर पर लेकर चलेंगे जिसका नाम है मियार वैली। मियार वैली हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक काफी दूरदराज इलाके में बसी हुई घाटी है। मियार वैली में आपको कुदरत के बहुत ही खूबसूरत रंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको अनेकों प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे और इसे मिनी वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जा सकता है। जबकि लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट एक काफी कोल्ड डेजर्ट रीजन है, उसके बावजूद आपको मियार वैली में काफी ग्रीनरी और काफी सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। अगर आज के दौर में अनएक्सप्लोर्ड और ऑफबीट जगहों को घूमने की बात की जाए तो मियार वैली का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि मियार वैली एक काफी अनटच्ड जगह है जिसे ज्यादातर ट्रेवलर्स ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, और जो रॉ और ऑफबीट एक्सपीरियंस हमें मियार वैली दे सकती है उसका किसी और जगह से कोई कंपैरिजन नहीं है। मियार वैली को एक्सप्लोर करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम आपको मियार वैली का वर्चुअल टूर देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आप बेस्ट वे में मियार वैली को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें। लाहौल एंड स्पीति या फिर मियार वैली को एंटर करने का गेटवे है मनाली, तो मियार वैली का ट्रिप शुरू होता है मनाली से। दिल्ली से मनाली की जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो सबसे कंफर्टेबल और मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन है वो है किसी लग्जरी बस में आना। हमारी खूबसूरत मंजिल मियार घाटी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मनाली से उदयपुर का सफर पूरा करना पड़ेगा। मनाली से उदयपुर का डिस्टेंस है लगभग 110 किलोमीटर और इस जर्नी के लिए हमें लगभग 4 से 4.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। अटल टनल को क्रॉस करने के बाद आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर मैजेस्टिक लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएंगे। मियार वैली जो कि हमारी आज इस वीडियो की मंजिल है, वो भी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट की कई सारी खूबसूरत वैलीज में से एक खूबसूरत वैली है। लाहौल वैली की स्टार्टिंग जर्नी में तांदी नाम के स्टेशन तक आप चंद्रा वैली में ड्राइव करेंगे। चंद्रा वैली चंद्रा रिवर के किनारे पर बसी है। इस जर्नी के दौरान आपको रास्ते में लाहौल वैली के बहुत सारे खूबसूरत गांव देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिसु, गोंधला, खांगसर और तांदी। तांदी नाम के स्टेशन तक आपको लेह मनाली हाईवे पर ही ड्राइव करना है और तांदी को क्रॉस करने के बाद आपको लेह मनाली हाईवे को छोड़कर पांगी किलाड़ और साचपास वाले रोड पर निकल जाना है। तांदी तक अपनी जर्नी के फर्स्ट फेज को पूरा करने के बाद हमारी जर्नी का जो अगला फेज रहेगा वो होगा तांदी से उदयपुर तक ड्राइव करना। तांदी से उदयपुर की जर्नी एक बहुत ही पिक्चरस लैंडस्केप वाली जर्नी है। इस जर्नी में आपको लाहौल वैली के लोगों के लाइफस्टाइल की एक बहुत अच्छी झलक देखने को मिलेगी। तांदी से उदयपुर की जर्नी के दौरान आप और भी बहुत सारे खूबसूरत विलेजेस को क्रॉस करेंगे, जैसे कि शांचा, थोलंग, थिरोट और जालमा। लाहौल वैली की इस खूबसूरत जर्नी के बाद हमारा जो अगला लैंडमार्क स्टेशन आएगा वो है उदयपुर। उदयपुर ही वो जगह है जहां पर मियार रिवर चंद्रभागा रिवर से आकर मिलती है। उदयपुर इस एंटायर रीजन का सबसे बड़ा स्टेशन और हमारी मियार वैली की जर्नी के दौरान हमें लाहौल वैली का यह सबसे बड़ा मार्केट प्लेस देखने को मिलेगा। तो अगर आपको किसी एसेंशियल्स की शॉपिंग करनी है तो आप उदयपुर की मार्केट से कर सकते हैं। उदयपुर में मृकुला माता टेम्पल और तिलोकीनाथ टेम्पल जैसे घूमने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं, तो मियार वैली की जर्नी का लास्ट फेज करने से पहले आप भी उदयपुर में कुछ देर स्टॉप लेकर इन खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मियार वैली पहुंचने के लिए हमें उदयपुर से मेन हाईवे को छोड़कर एक डाइवर्जन लेना होगा और ड्राइव करना होगा खंजर नाम के गाँव तक। उदयपुर से खंजर का डिस्टेंस लगभग 28 किलोमीटर है और इस जर्नी के लिए हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा।
खंजर ही इस रोड का आखिरी पॉइंट है और खंजर के बाद हमें सिर्फ ट्रैक करने का ही ऑप्शन रह जाता है। मियार वैली अभी भी एक काफी अनएक्सप्लोर्ड जगह है और ज्यादातर ट्रेवलर्स ने मियार वैली की ब्यूटी को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। इसका मेन रीजन है कि मियार वैली में विंटर्स में काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और साल के 6 महीने मियार वैली आने वाला रोड पूरी तरह से बंद रहता है। मियार वैली एक खूबसूरत एस शेप्ड वैली है जो कि जियोग्राफिकली लाइ करती है चंबा और जांस्कर रीजन्स के बीच में। मियार वैली एक 75 किलोमीटर लंबी वैली है जो कि उदयपुर से कांगला पास तक स्प्रेड करती है। मियार वैली का आधा हिस्सा पूरी तरह से ग्लेशियर से ढका रहता है और इन्हीं ग्लेशियर से पिघलकर आता हुआ पानी मियार रिवर में आकर बहता है। आप जैसे जैसे मियार वैली में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि इस वैली की खूबसूरती भी और ज्यादा बढ़ जाती है। सड़क के दोनों किनारों पर आपको बहुत ज्यादा हरियाली देखने को मिलेगी और साथ ही यहाँ पर सड़क किनारे आपको छोटे छोटे विलेजेस देखने को मिलेंगे। ये विलेजेस पूरे इंडिया के सबसे रिमोटेस्ट विलेजेस में से एक हैं। इस जर्नी के दौरान आपको लोगों के काफी बड़े बड़े खेत देखने को मिलेंगे जिसमें कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करके काफी सुपीरियर क्वालिटी की वेजिटेबल्स उगाते हैं जैसे कि आइसबर्ग, लेटिस, मटर और गोभी। बात की जाए मियार वैली की रोड कंडीशन और यहाँ पर पहुँचने के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो आप मियार वैली कोई भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्सट्रीम लोकेशन होने की वजह से यहाँ के रोड्स बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। काफ़ी जगह पर आपको वाटर क्रॉसिंग्स और क्लिफ हैंगर रोड्स भी देखने को मिलेंगे और आप एक चीज़ इंश्योर कर लें कि जिस दिन आप मियार वैली आएँ यहाँ पर मौसम क्लियर हो। रेनी मौसम में यहाँ पर ट्रैवल करना सेफ नहीं होता है और विंटर मंथ्स में ये रोड बर्फ की वजह से टोटली बंद रहता है। आप अपने सामने अभी खंजर ब्रिज देख रहे हैं और इस स्टेशन का नाम खंजर है। खंजर इस मियार वैली की रोड का आखिरी पॉइंट है और इसके बाद अगर हमें मियार वैली की कोई भी जगह को एक्सप्लोर करना है हमें ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। आप अपने सामने अभी वाटरमिल या फिर जिसे घराट कहते हैं वो देख रहे हैं। घराट में पानी की फोर्स को यूज करके गेहूं को पीसा जाता है। ऐसी ही कई ट्रेडिशनल चीजें आपको मियार वैली में देखने को मिलेंगी। मियार वैली जन्नत है उन लोगों के लिए जो कि ट्रैकिंग या फिर हाइकिंग का शौक रखते हैं। मियार वैली उन लोगों को भी बहुत पसंद आती है जो कि नेचर का रॉ पार्ट देखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है, ना ही यहाँ पर कोई कैफे है और ना ही यहाँ पर मोबाइल फोन में नेटवर्क होता है। यहाँ पर सिर्फ BSNL का ही नेटवर्क होता है। चंबा और इसके आसपास के इलाके में भेड़ पालकों की एक ट्राइब होती है जिनका नाम होता है गद्दी। गद्दी अपने भेड़ों के झुंड को लेकर चराने के लिए बड़े बड़े मैदानों में आते हैं। मियार वैली में आपको वहां पर बहुत सारे गद्दी देखने को मिलेंगे। यहां पर इन भेड़ों को पौष्टिक घास तो मिलती ही है, साथ ही मियार घाटी के पत्थरों में इन्हें एसेंशियल सॉल्ट्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। आप भी जब मियार वैली आए तो यहां पर आपको कोई ना कोई गद्दी जरूर मिलेंगे। आप इन गद्दी लोगों के लाइफस्टाइल को देख सकते हैं। ये लोग इतनी टफ कंडीशंस में रहने के बाद भी इतना खुश रहते हैं। मियार वैली में खंजर गांव के आसपास आपको एक दो कैंपिंग और होमस्टे के ऑप्शंस ही देखने को मिलेंगे और अगर आप मियार वैली में और डीप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अपना कैंपिंग इक्विपमेंट साथ में ही कैरी करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, कैंपिंग करते हुए आपको यहाँ पर कोई भी प्रकार का वेस्ट नहीं फैलाना है। मियार वैली में खंजर गांव के पास एक काफ़ी बड़ा क्रिकेट ग्राउंड भी है और हमने भी मियार वैली में अपना टाइम यहीं पर आकर स्पेंड किया इन स्ट्रीम्स के किनारों पर। आसपास की सूखी और कोल्ड डेजर्टेड टेरेन को देखने के बाद जब आप मियार वैली के अलग अलग रंगों के फूलों को देखेंगे तो ये चीज़ आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर लाएगी। मियार वैली में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और इसे एक मिनी वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जा सकता है।
मियाड़ वैली में खंजर गांव से कुछ देर पैदल चलने के बाद आपको एक काफ़ी बड़ा लोकल क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिलेगा। इस क्रिकेट ग्राउंड में हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है जिसमें लोग बहुत एक्साइटेडली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थी खूबसूरत और एडवेंचरस मियाड़ वैली। इसी के साथ हमारी इस वीडियो का भी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।